हेलो फ्रांस, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए और एंटरटेनमेंट का मज़ा लेते रहिए। ये एंटरटेनमेंट की दुनिया है, कब किसे फॉलो कर ले, कब किसे अनफॉलो कर दे, कुछ पता नहीं चलता। लेकिन अगर आपके साथ काम कर रहे स्टारों के साथ कुछ खास अच्छा रिश्ता नहीं रहा प्रोड्यूसर के साथ, तो यकीनत है आप उनसे दूरी बना लेंगे और दूरी बनाकर कुछ दिन चुप रहेंगे, और फिर जैसे ही लगेगा कि मामला ठंडा हो गया है तो हमें कुछ कहना चाहिए। ऐसे ही मैं बात करने वाली हूँ राजन शाही के मोस्ट पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है, जो इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ है, अच्छी TRP और टॉप 5 में अपनी जगह बना के रखा है। ऐसे में सहजादा धामी और प्रतीक्षा के फायर होने के बाद पहली बार समृद्धि शुक्ला ने कुछ जो है मैसेज अपने फैंस को और सहजादा और प्रतीक्षा के लिए दिया है। वैसे तो उन्होंने इंटरव्यू भी दिया था जहाँ पे उन्होंने नई कास्ट की काफ़ी तारीफ की थी, जो कि अब नज़र आ रही है। ऐसे में उन्होंने आज की डेट में जो मतलब आपकी समृद्धि ने जो पोस्ट किया है, उनका कहना है सहजादा और प्रतीक्षा के लिए जो है समृद्धि की एक इच्छा है। उन्होंने कहा कि ये सहजादा और प्रतीक्षा के लिए कठिन समय होगा क्योंकि उन्हें शो से निकाला गया है। ये वाकई ही उनके लिए बहुत कठिन समय होगा। उन्हें लगता होगा कि उनके हाथों से एक बड़ा अवसर चला गया है या बड़ा प्रोजेक्ट उनके हाथों से निकल गया है, लेकिन उन्होंने इसे खो दिया है, उन्हें ऐसा भी लगेगा। हालांकि समृद्धि ने उम्मीद की है कि कुछ समय या समय थोड़ा सा बीत जाने के बाद शायद उनके साथ कुछ अच्छा ही होगा। तो ऐसे में उन्होंने इस तरह का मैसेज अपने फैंस और स्पेशली सहजादा और प्रतीक्षा के लिए दिया है। अचानक से इतने लंबे टाइम बाद उन्होंने ये मैसेज क्यों किया? क्या वो भी चाहती हैं कि अब वो भी एक अच्छी जर्नी शुरू करें, अच्छा प्रोजेक्ट शुरू करें, अच्छा प्रोजेक्ट उनको मिले? क्या उन्होंने इसलिए मैसेज किया है, या फिर वो वाकई ही मानती है कि अचानक से शो से बाहर जाने के बाद शायद इस वक्त वो बहुत कुछ सोच रहे हैं, शायद इस मैसेज से उनको कुछ अच्छा लगे? क्या लगता है आपको, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए डियर लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।